प्रोग्राम तो इन्होंने सैकड़ों पे बना दिया, ये काम बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ साथ साथ। वो तो पता चलेगा ना कितना सफर करते हैं, कितनी हिम्मत है हिम्मत की बात है, जितनी हिम्मत होगी आप उतना ही सफर करोगे। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी है जी सुबह सुबह का टाइम, इधर तो आसमान आपको सारा साफ नजर आ रहा होगा, और जैसे ही आप इधर देखेंगे ना आसमान आपको इधर इस तरह नजर आएगा। इधर से आए जी काफी ज्यादा बादल, हवा जो है वो भी अब ना चलनी शुरू हो गई है। इधर अम्मा जी ना चारपाइयों जो है वो उठा कर रख रही है कमरे में। बारिश जो है वो भी अब होना शुरू हो गई। और नीचे देखें इस तरह बारिश जो है ना वो हो रही है। अब ये देखें अब बारिश जो है ना ना हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है, काफ़ी हद तक थम गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। इधर से फिर आ रही है, ओ मैं इधर से दोबारा आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है बारिश थम गई है, ज़्यादा नहीं हुई। मैंने तो ज़्यादा कीचड़ बन जाना था यहाँ पर, जिस तरह बादल आए थे और मैं खुश हुआ खड़ा था। मैंने कहा कि बादल आए हैं, चलो ज्यादा नहीं सही, कुछ तो बरस के चले गए, मौसम ठंडा बन गया है। तो अब इधर से फिर अम्मा जी कह रहे हैं बादल आ रहे हैं। इधर से मैंने पहले आपको दिखा दे, बादल बड़ी स्पीड के साथ आए, इधर चले गए हैं। अब अम्मा जी कह रही थी बादल फिर वापस आ रहे हैं, लग रहा है कि बारिश जो है ना जो होके रहेगी। ये देखिए काफी ज्यादा बादल जो है ना ब्लैक ब्लैक हुआ है। सुबह का टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और इस तरह का मौसम बना हुआ है। माशाल्लाह से मौसम जो है सारा खुशगवार बन चुका है और ठंडा मौसम अब हो चुका है। माशाल्लाह शाम हो चुकी है और अम्मा जी और मुबशर और शहर इधर बैठे हैं। अम्मा जी पे ये मेरा टूर जिंदगी का पहला टूर है और माशाल्लाह मैंने तैयारियां कर ली हैं, इधर सारा सामान आया पड़ा। एक बात और अपने व्यूअर्स को बता दो, हम जा किधर रहे हैं? हम फिलहाल जा रहे हैं मरी तक, मतलब साइकिल का प्लान है मरी पे जाना। हाँ, साइकिल पे टूर करना है और मेरे पास होगा अम्मा जी मोटरसाइकिल। और एक बात मजे की बताऊं, मेरा ये फर्स्ट टाइम है मरी। पहले आप मरी में नहीं गए? मैं पहले कभी नहीं गया। नरान का गांव ये सवार किधर गए? मैं भी गया था, तुम भी नहीं गया था? मैं मेरी मरी ये आ रहा है ना हमारे साथ, ये बड़ा खुश हो रहा है, कहते हैं कि मैं ये समझ रहा मैं भी आ रहा हूं साथ। और एक बात और मुझे याद आई, कमेंट आया था कि मुझे एक व्यूअर कह रहा था कि मुबशर तू तैयारी कर रहा है, हमें तो लग रहा है आपके अबू जा रहे हैं और तू तैयारी को कर रहा है, असल में अबू जी नहीं जा रहे, अबू जी हमारे साथ जाएंगे लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा वापस। लेकिन हम चाचू वसीम, मैंने और चाचू वसीम के साथ एक और उसका दोस्त है, उसने हम तीन लड़कों ने साथ, तो हम तीन लड़कों ने मिलकर टूर करना आगे। इसी तरह तीनों ने भी टूर करना है और मैं भी वैसे साथ जा रहा हूँ, 2-3 दिनों के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इस तरह साइकिल पे सफर करना है इन्होंने, तो मैं साथ साथ मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, इनको गाइड भी करूंगा। और दूसरी बात यह कि मैं भी थोड़ा सा ना मरी को देख लूंगा। हाँ। और जिंदगी में मैं भाई फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकल रहा हूँ। हाँ, बस आप सभी ने ये दुआ करनी है कि हम खैर खरीद के साथ जाएं और खैर खरीद के साथ वापस आएं। मौसम भी खराब है लेकिन हो सकता है, कल कह रहे थे कि हमारे इलाके में मौसम जो है वो ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर बारिश वगैरह हुई भी तो मसला ये है ना गाँव वाली साइड, वैसे हम बाइक पे या किसी गाड़ी पे जा नहीं सकते क्योंकि साइकिल होती है एवरेज स्पीड तक, वो कंट्रोल कर सकते हो हल्की है वजन में भी, क्योंकि हमने जाना कीचड़ वाली साइड से जाना नहीं, हमें सीधे सीधे रोड पे जाना है, रोड से बात। तो कमरा ले लेंगे किराए पे, आपने ले लेना ठीक है ना, तो फिर 5-6 दिन मजीद ये रहेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। मेरा जाने का मकसद ये है कि मैं भी एक बार देख लूं, इतनी उम्र हो चुकी है मैं कभी बाहर नहीं निकला, तो बस 2-3 दिनों के लिए जा रहा हूं, फिर जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि गंदम जो है वो पक चुकी है, उसकी कटाई भी करनी है, पीछे भी छोटा मोटा आपको पता है कि काम काज है मेरा, मैं जा रहा हूँ ना, तो भाई मैं अपने साथ बहुत सारा सामान लेके जा रहा हूँ। इधर आप देख सकते हैं पूरा बेड भरा पड़ा है सामान से जो कि हमने टूर पे लेके जाना है। तो जिस लड़के ने आना था ना वो भी आ चुका है, वो अपनी साइकिल भी ले आया है, अपना सारा सामान भी लाया है, वो अपने अबू जी के साथ आया है, और अभी वो बैठा हुआ था, बस बातें शातें हो रही थी, अभी चाय वगैरह पी और अभी वो चले गए हैं। तो लड़का जो इधर रह गया उसका अबू जो है ना वो चला गया है।
तो बाकी सारा सामान उसके अबू ने ना मतलब कि बाकी का सारा सामान लड़के ने ला के अपना पैक शेक करके ला के रख दिया, वो तो फुल रेडी जाने के लिए। बाकी चाचू वसीम जो है वो भी हो गए हैं रेडी जाने के लिए, उन्होंने भी सारा सामान जो अपना पैक कर लिया है, अब उनका सारा सामान जो रेडी हो चुका है टूर के लिए। बाकी अब मैं रह गया था, मेरा सामान वैसे सारा रेडी हो चुका है टूर के लिए, बस पैकिंग वगैरह रह गई थी, तो वो अभी मैं कर रहा था, मैंने कहा पैकिंग भी करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी है जी रात का टाइम, सुबह हमने निकलना है, सुबह तकरीबन कितने बजे निकलना है यहाँ से? सुबह सवेरे 6 बजे निकलना, 6 बजे निकलना, हाँ बिल्कुल, पैक तो अभी रात को ही करना पड़ेगा ना। हाँ अगर दिन को ये देखो कितना सामान टाइम लग जाना है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से जल्दी जल्दी हमें निकलना है, वैसे भी हमने साइकिलों पे जाना, सफर भी हमने काफी तय करना है। तो पहला स्टॉप हमने अच्छा ना, मुझे ना दुख बहुत हुआ है एक बात का। हाँ जी, वो इसलिए कि मैंने पैसे भी लगाए थे इधर सिलेंडर पे, और अम्मा जी ने मना कर दिया है आपने सिलेंडर साथ लेके नहीं जाना। वो बात देखना इस तरह है, सामान भी काफी ज्यादा सिलेंडर में, गैस होने और रिस्की बात। यार मेरे पास बड़ा बैग है माशा, मेरा ना शौक था अम्मा जी के हम जाएंगे ना पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पहाड़ों में बैठ के ना हम खुद चाय वगैरह बनाएंगे, बहुत ही मजा आना था। लेकिन बस अम्मा जी कह रही है कि आप साथ में हम ले जाएंगे, वो चाय बना लेंगे, वो टेंशन नहीं, वहाँ पे लकड़ी मिल जाएगी हमें। भाई चाय बनाने वाला बर्तन भी तो साथ लेके जाना है ना, वो भी अम्मा जी ने रोक दिया है, मैंने तो कहा चार कप ही लेके। आपने अपने हाथ से चाय बना के पीने में बहुत ही ज्यादा मजा था, क्योंकि वहाँ पे जाकर पहाड़ में बैठ के इधर उधर पहाड़ होते, हम दरमियान में बैठ के खुद चाय बनाते, कितना प्यारा सीन होता है वहाँ पे। बात इस तरह ना कि पहले हम गाड़ियों पे टूर पे जाते रहे, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस इस तरह साइकिल्स पे, क्योंकि साइकिल हमने पेट्रोल पे चलानी ना, इसमें पेट्रोल जलना ना, इस तरह ले जाना है हमें, तो इसलिए फिर अम्मा जी का इस तरह ना करें वहाँ पे, आपने थक जाना, चाय शाय बनानी पड़ी। बात अम्मा जी की सही है, वो तो ठीक है ना, लेकिन इस बार प्रोग्राम तो इन्होंने सैकड़ों पे बना दिया, ये काम बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ साथ साथ। इसीलिए मैं साथ साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, यानी कि क्योंकि मेरे पास ना मोटरसाइकिलों की जो तेज सवारी है, रास्ते में कोई मुश्किल बन भी सकती है, तो हमारे पास इस तरह की सवारी होनी लाजमी चाहिए, क्योंकि साइकिल जो है ना वो आरामदेह सवारी है, आराम आराम से चलानी है, सफर बहुत लंबा है। अच्छा खैर अल्लाह, तो अल्लाह खैर करे। सुबह हमने निकलना यहाँ तकरीबन 6 बजे, तो पहला हमने कहाँ स्टे करना है, डायरेक्ट यहाँ से कहाँ जाकर रुकना है, वो तो पता चलेगा ना कितना सफर करते हैं, कितनी हिम्मत है यहाँ। हिम्मत की बात है, हिम्मत की बात है, जितनी हिम्मत होगी आप उतना ही सफर करोगे। काफी सारे हमारे व्यूअर्स कहते हैं मुबशर तो पढ़ रहा है कि टूर पे जा रहा है, मुबशर का भी ये इम्तिहान ही समझो मैं जी, आप पता चल जाएगा कि ये कितनी मेहनत कर सकता है, इसमें कितनी हिम्मत है, इसमें कितना दम है। 5-6 छुट्टियां लिए कॉलेज से, तो छुट्टियां हैं, 2 दिन मैंने कॉलेज जाना, वैसे आगे 3 दिन और छुट्टी हो जाए। हाँ जी हाँ जी, तो फिर मैंने कहा वो 2 दिन छुट्टी ले लेते हैं, वो 5 दिन छुट्टी बन जाए, 5-7 दिन छुट्टियां कर सकते। अभी हम बेड पे इसलिए बैठे हुए थे, सारे डेरा सा लगा के बैठे, आप भी देख रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम ना पैकिंग की कर रहे हैं, पैकिंग इस तरह करनी है कि सामान ना ज्यादा भी हो ना कम भी हो, जरूरत का सामान ले जाएंगे जिसको हम उठा भी सके। तो मैंने ये बैग, यार आप सामान लेके आओ, मेरे पास इतना बड़ा बैग है। अच्छा, आपने तो वो ले जाना है, वो तो आपने क्या करता है 2 दिन में घर वापस आ जाना है। हाँ, तो जो जरूरत का सामान आपका होगा आपने रख लेना, वो तो हमने वापस ले घर वापस आ। उसी सामान की बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद उठाना ना, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते, उसको पैक कर लेते हैं अभी सुबह, क्योंकि सुबह सुबह हमने निकलना यहाँ से 6 बजे, नमाज पढ़ के निकल जाना है, उस टाइम मुझे टाइम को नहीं मिलना सामान पैक करने का, मेरे टाइम पे पैक कर लेते हैं और सुबह सामान उठाकर साइकिल निकाल के आ जाएंगे। टाइम को वेस्ट मत करो, हमने सोना भी है, तो सामान को पैक कर देते हैं, क्योंकि सुबह वो निकल जाना है, ठीक है। और अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं अभी हम कौन कौन सी चीज लेके जा रहे हैं, ठीक है। बात इस तरह ना, मैं लेके जा रहा हूँ, मेरी असल में मेरी पूरी कोशिश है कि हम वो सामान लेके जाएं कि वहाँ पे हमें जरूरत भी आए और हमें खरीदना भी ना पड़े, मतलब कि सामान इस तरह को बस काम का सामान और फालतू सामान हम नहीं लेना। हाँ, फालतू तो नहीं लेके जाएंगे ना, लेकिन जो जरूरत का सामान है वो तो ले जाना है ना। हाँ जी, तो असल में ना अभी वही सामान की पैकिंग कर रहे थे, मैंने कहा आप सब भी शेयर कर देते हैं कौन कौन सी चीज जो है जरूरत के लेके जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपको बैग दिखा रहा हूँ, वो बैग में लेकर जाऊँ जिसमें जितना सामान आ जाएगा बस मैं वही ले जाऊंगा। हाँ। तो ये रहा जी वो मेरे पास बैग, ये तो है ना मुबशर का बैग। हाँ जी, और मेरा बैग वीडियो में उन्होंने देखा होगा उधर खड़ा, मैं दिखाऊं, ये चेक करें जी, ये इतना बड़ा बैग जिसमें मेरे जैसे दो कुछ इसमें पूरी दुकान का सामान मैं भर के लेके जा सकता हूँ, बेशक वहां जाकर मैं दुकान भी बना सकता हूँ। हाँ जी, तो चलें जी अभी ना मैं करने लगा सामान को बैग, तो इस बैग में पहले आपको छोटी छोटी चीजें दिखा दूं कौन सी चीज हम लेके जा रहे हैं।
तो अभी मैं आपको सबसे पहले जरूरत की चीज है वो आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो आज आपकी ये हमारे पास एक ये जंजीर, तो जंजीर किस लिए लेके जा रहे हैं? ये सिर्फ ना सेफ्टी के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 साइकिल होनी है और 1 मोटरसाइकिल होनी है, इन चारों को इकट्ठा लाख लगाएंगे इस जंजीर की मदद से। हाँ जी, तो ये जंजीर जो काम है काफी मजबूत जंजीर है। तो और उसके बाद ना जो और जरूरत की चीजें जो रस्ते में हमारे काफी काम आ सकती हैं, क्योंकि साइकिल्स पे जाना साइकिल्स पंचर भी हो सकती है, हवा भी काफी हो सकती है, क्योंकि हमने जाना है पहाड़ी इलाकों में, वहां पे जो दुकान है ना वो काफी गैप गैप काफी गैप नहीं काफी काफी सभी काफी गैप होता है, वहां पे ना काफी लंबा सफर करके जाकर अपनी दुकान नजर आती है, अगर रास्ते में कहीं हवा कम हो या फिर हम साइकिल के साथ उठा फिरते होंगे। हाँ जी, तो इसलिए फिर हमने ये हवा पंप जो वो भी साथ लेके जा रहे हैं, इसको हम उठा लेंगे ऐसे ना बैग के साथ बांध देंगे। चलो, और उसके बाद शॉपर में और जो पंचर का सामान होता है ना जरूरी, ताकि पंचर हो जाए हम खुद भी लगा सकते मजबूरी के टाइम के लिए सेफ्टी के लिए, ये एक है वो पंचर वाला सामान, बाकी किधर और भी पड़ा हुआ है पंचर भी है, ये पंचर पड़े हुए काफी सारे पंचर, ये देखना कील काबले, और ये रहा जी वो गैजेट जो हमारा बड़ा काम आने वाला है। तो इसमें काफी ज्यादा की है, चाचू वसीम ने भी व्लॉग में दिखाई थी, उन्होंने ऑर्डर की थी, तो ये की भी हम लेके जा रहे हैं, वो भी यूज करेंगे और मैं भी करूंगा। तो इसमें काफी ज्यादा अलग अलग आकार की हैं, ये देखना पहले बड़ी और उसके बाद इस तरह की छोटी है, और इधर भी की है, और उसके बाद ये एक और रही जी बड़ी वाली की, ये मेरे ख्याल पीछे खुलती ये वाली, इस तरह जो बड़े बड़े काबले हैं वो खुलते हैं और ये बाकी के छोटे छोटे काबले हैं, और ये जी पंचर, और इधर अम्मा जी आ गई। हाँ जी अम्मा जी, ये क्या लेके आ गए? अच्छा अच्छा, बात इस तरह पिछले टिकड़े बनाए थे ना, ये टिकड़े हम टूर के लेके जाने थे, वो मजे ने मुझे उठा के नहीं याद रहे, इसको भूल ना जाए। और उसके बाद भाई जो चाचू वसीम ने ना कुछ और सामान मंगाया, जैसे कि बिस्किट हो गए, इस तरह के चॉकलेटे वगैरह, क्योंकि रस्ते में होना वहाँ पे दुकान में मैंने बताया नहीं होगी, चलो थोड़ी बहुत भूल लगी ना तो ये खा लेंगे, तो इसलिए फिर ये अम्मा जी ने दिए, ये चाचू वसीम लेके आए थे, ये भी मैं खा लूंगा, पैक हो जाएंगे। चले जी, जो ये रहा सारा सामान और ये भी अम्मा जी लेके आएंगे, बाकी का मैं आपको दिखा दूं, मैं एक लेके जा रहा हूं टॉवल, और एक ये क्या है जी चादर है, चादर, और बाकी मेरी इधर कुछ नहीं है, अपर एक ही ब्लैक अपर है, बाकी ये ट्रोजर हो गए, पैंटे, 2 पैंटे लेके जा रहा हूँ, एक ट्रोजर एक अपर, और उसके बाद इधर रही जी कुछ शर्टे मेरी, कुछ हाफ बाजू वाली और कुछ फुल बाजू वाली है, ये भी ना मैं थोड़ी सी लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद इधर ये अबू का सामान, ये अबू जी ने अपने बोरे में लेके जाएंगे इसको, बैग वाली बैग में पैक करके ले जाना, ठीक है ठीक है। और ये हाँ, ये भी अबू के कपड़े पड़े हैं, ये भी अबू अपने बोरे में लेके जाएंगे, मैं ले जाऊंगा ले जाऊंगा। और चाचू भी आ गए। हाँ जी, हाँ एक सामान भी थोड़ा सा ज्यादा ही वही है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ ये तो सर पूरा तैयार सामान क्या सर, आप मैं सामान इस तरह लेके जाऊंगा ना जो इस बैग में पूरा आ जाएगा, बस ठीक है, मैं इस तरह सामान लेके जा रहा हूँ, बाकी के बाद सामान मेरे बोरे में, बाकी बाइक खड़ा हुआ वो देखा, वो जो बाइक पे लगा हुआ बड़े वाला, उसमें बाकी का सामान ले जाएंगे, बस ठीक है। और उसके बाद मैं लेके जा रहा हूँ एक और पैंट शर्ट है, बाकी ये ट्रोजर होगी, और उसके बाद ये साबुन हो गए, क्रीम में श्रीम में लोशन वगैरह, सुई धागे वाली शीट है, वाटर प्रूफ शीट है, सुई धागा भी लेके जा रहे हैं, जरूरत पड़ सकती है रास्ते में। यार हमारा एक रिश्तेदार होता था, उसके पास सुई भी होती थी, साइकिल के साथ साथ लेके फिरता था। और उसके बाद साथ छोटे छोटे पावर बैंक लेके जाना, मोबाइल चार्जिंग करने पड़े, चार्जिंग लगा था हमारे पास, ये डबल रोटी भी है भाई, डबल रोटी भी है, सेफ्टी के लिए रास्ते में बॉक्स शॉट लगे रखा है, इसके साथ उसका फैन भी ले जाऊं, फैन ले लेंगे रख लेंगे, यानी जरूरत पड़ जाएगी। हां चलो, और ये है भाई शीट जो मैं कह रहा था, वाटर प्रूफ शीट है, इमरजेंसी के तौर पर ना, क्योंकि हमारे पास 3 हल्के वजन है, चाहती में इस तरह दी हो है ना, वो बिल्कुल थोड़ी सी बनी है, पाई के साथ नहीं बनी है, ये जरा वजन नहीं है। चलो है बहुत बड़ी, कैंप भी ले जाना? नहीं नहीं कैंप नहीं लेके जाना, खराब हो गया, खराब हो गया, उठाए नहीं जाना, सिलेंडर नहीं लेके जाना, आपको नहीं ले जाना, नहीं लेके जाना, अम्मा ने कहा सिलेंडर नहीं लेके जाना, नहीं बस रिस्क की बात, उसमें गैस होनी है, हाँ बंदा गिर भी जाएगा फट जाए, नहीं जरूरत तो नहीं है, ले जाए प्रोग्राम तो है मेरा इस तरह, भाई पहाड़ में बैठ के हम खुद चाय बनाएंगे, तो देखते हैं, यही समान जगह तो है मेरे पास, सिलेंडर की मेरे पास बैग बहुत बड़ा है, चार कप, और ये है ये आपके लिए गिफ्ट, ये गिफ्ट नहीं है, ये मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा लाइसेंस है, मेरा आपका नहीं, अच्छा ये काम आएगा, हाँ रास्ते में ये काम आएंगे, और उसके बाद चाचू जी पंचर शंचर के लिए सामान लेके जा रहे हैं। वाह पंचर ही आप लगा साहब है, मैम पंचर तो मैं लगा लेता हूँ, तो यही सारा सामान था जो मैं टूर के लिए लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा आप सब भी शेयर कर देते हैं,
तो अभी आप टाइम को वेस्ट मत करें भाई, इसको पैक कर लेते हैं, इसको काफी टाइम हो चुका है। तो सारा सामान जो है वो पैक हो चुका है, टूर के लिए हम हो गए फिलहाल फुल रेडी हो चुके हैं फिलहाल। तो बस सुबह निकलेंगे यहाँ से, तो इंशाल्लाह आगे ना आपको सारे ब्लॉग जो टूर के मिल जाएंगे। तो काफी प्यारी प्यारी जगह जो होगी वहाँ पे विजिट भी करेंगे और आपके साथ भी सारा कुछ आगे रूटीन जो शेयर करेंगे। आगे आने वाले ब्लॉग काफी मजेदार होने वाले, आपने आगे आने वाले ब्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करने, आपने उन ब्लॉगों को लास्ट में वॉच करना है। उम्मीद करूंगा कि आपको ना पसंद आएंगे। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।